झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा 14 मार्च से होगी। इस वर्ष चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में मैट्रिक में 5700 और इंटरमीडिएट में 3952 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 43 विद्यालयों के कुल 5700 परीक्षार्थी परीक्षा लिखेंगे। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए अनुमंडल क्षेत्र में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 27 इंटर कॉलेज व प्लस टू स्कूलों के परीक्षार्थी परीक्षा लिखेंगे। सफल और कदाचार रहित परीक्षा के आयोजन करने को लेकर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। मुख्य उद्देश्य मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 14 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक होने जा रही है। इसी को लेकर सभी सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट, थाना प्रभारी, BDO CO बुलाया गया था और राज्य सरकार की तरफ से और जिला से माननीय उपायुक्त की तरफ से जो भी परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, वही दिशा निर्देश को अवगत करा दिया गया है। हम लोग के अनुमंडल क्षेत्र में इंटर के कुल 9 केंद्र हैं, जिसमें 3952 स्टूडेंट हैं। मैट्रिक के 15 सेंटर हैं, जिसमें 5700 स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कदाचार से मुक्त होगा। परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल या उस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सामानों को पाबंदी रहेगी। परीक्षा का समय होगा, सभी विद्यार्थी 9:30 बजे तक अपने केंद्र पर पहुंचेंगे और परीक्षा समाप्ति के 15 मिनट पश्चात ही परीक्षा केंद्र से बाहर जाएंगे। इसके अलावा जो भी दिशा निर्देश राज्य स्तर से दिया गया है, उसी को सबको अवगत करा दिया गया है। विधि व्यवस्था का संधारण प्रत्येक थाना प्रभारी को दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। सभी पर पुलिस को और मजिस्ट्रेट को डिपुट किया गया है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।